हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अंसारी सिस्टर की किचन में आप सबका वेलकम। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन टमाटो राइस, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है और फ्लेवरफुल है। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, मुझे करें सपोर्ट। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है @ansari_sisters214 पे मेरी रेसिपी का फीडबैक दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा चिकन मैरिनेशन। चिकन मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, मैं ले रही हूँ 250 ग्राम चिकन। ये 5 किलो बोनलेस चिकन है, इसे मैंने क्यूब शेप में कट कर दी हूँ। आप चाहिए तो लेग पीस में भी बना सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, चिकन टिक्का मसाला है मेरे पास 1 टेबल स्पून, नमक ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, और ग्रीन चिल्ली पेस्ट ले रही हूँ 1/2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ ऑयल तेल, 1 टेबल स्पून भर के मैं ले रही हूँ दही, एंड 1 टीस्पून लेमन जूस, इसके बजाय सिरका भी ले सकते हैं। ढाई सौ ग्राम चिकन है, इसे मैंने क्यूब शेप में कट कर दी हूँ, इसके बजाय आप लेग पीस से बना सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ये मैं शामिल कर रही हूँ, चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तेल 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्ची का पेस्ट 1/2 टीस्पून ये शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, ये 1 टेबल स्पून जितनी है, गाढ़ी दही लेना है हमें। इन सब को डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। ये मिक्स हो चुका है। इसे मिक्स करने के बाद मैं 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ दूंगी। पैन हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेटेड किया हुआ चिकन। इन सब को डालने के बाद हम अच्छे से हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इसे हमें इतना कुक करना है कि हमारी जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारा जो मसाला है वो भुन जाए। इन सब को हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, अच्छे से पकाना है। मसाला हमारा भुन चुका है, इसे मैं ढक के 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करूंगी। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक चुका है, मसाला हमारा भुन चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दी हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे कोथमी पुदीने के पत्ते। ये देखिए हमारा चिकन तैयार हो गया है, इसे कर देंगे साइड। अब हम चल रहे हैं हमारे राइस की तरफ। बासमती चावल ली हूँ मैंने 1 कप, इसे धो के मैंने अच्छे से 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगा दी हूँ ताकि हमारे चावल लंबे हो जाए। बारीक चॉप की हुई 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 कप टमाटो प्यूरी, 1 से 2 चम्मच वटाने ली हूँ मैंने,
एक मैगी क्यूब इसके बजाय नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट ली हूँ मैंने आधा चम्मच। ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे तेल 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें शामिल करूंगी मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज डालने के बाद इसे इतना पकाएंगे ताकि हमारी जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, उसका अच्छा पिंक कलर आ जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट 1/2 टीस्पून। इन सबको डाल के 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वटाने हरे कलर के, 1 से 2 चम्मच है ये। ये डाल के भी अच्छे से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 इलायची, 3-4 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 दालचीनी। इन सबको डाल के 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। गरम मसाला मैंने आपको पहले बताई नहीं थी। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन मैगी क्यूब, इसके बजाय आप नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये डाल के मैं 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटो प्यूरी, ये 6 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी। ये शामिल करने के बाद हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा टमाटो प्यूरी सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बासमती राइस, इसे मैंने पानी में भिगा के रख दी थी। ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कप बासमती राइस में हम लेंगे 1.5 कप पानी। पानी आप अपने राइस के अकॉर्डिंग, अपने चावल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारा पानी कम हो जाए। ये देखें हमारा चावल आधा पक चुका है। अब हम इसे दम पे रखेंगे 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और हमारा चावल हो गया है तैयार। ये देखें हमारा टमाटो राइस पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो हमने पहले बना चुके थे, वो शामिल करेंगे और अच्छे से हम देंगे कोयले की भाप। कोयले की भाप इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि हमारे जो टमाटो चिकन राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और खाने में भी मज़ेदार लगेगा। ये देखिए हमारा चिकन टमाटो राइस हो चुका है तैयार। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसे करेंगे डिश आउट। ये देखिए हमारा चिकन टमाटो राइस हो गया है तैयार। इसे मैं कचुंबर के साथ खा रही हूँ, आप रायते के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यूनिक रेसिपी है। तो प्लीज़ ज़रूर बनाओ ये रेसिपी, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।